नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द विलेज स्टाइल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह पटेल, आपको मैंने पिछले वीडियो में नर्सरी का पार्ट वन का दृश्य दिखाया था। दोस्तों, उसमें कई प्रकार की वेराइटीज के पेड़ पौधों के बारे में एक थोड़ी सी जानकारी भी दी थी एवं पेड़ पौधे भी दिखाए थे मैंने। अब मैं आपको नर्सरी का पार्ट टू दिखाऊंगा। दोस्तों, इसमें भी कई प्रकार के और भी पौधे हैं जो इस नर्सरी में अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। उसके बारे में भी मैं आज आपको एक छोटा सा दृश्य एवं छोटी सी जानकारी दूंगा। दोस्तों, आप ये जो पौधा देख रहे हैं, यह लौंग का पौधा है। ये देखिए, यह लौंग का पौधा है जो कहीं भी नर्सरी पर आपको उपलब्ध मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये सारे पौधे इलायची के हैं। ये इलायची का पौधा है, आप भी अपने घर में इलायची का पौधा लगा सकते हैं। दोस्तों, ये तेज पत्ते का पौधा है जो हम मसालों के रूप में इसका उपयोग करते हैं, तेजपान बोलते हैं इसको, सब्जी में डालते हैं हमारे यहाँ। ये देखिए, ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये पाइनएप्पल का पौधा है। दोस्तों, ये आप जो देख रहे हैं, ये हिरन की शेप का बनाया गया है पौधा है। ये देखिए, ये हिरन है, इसको बनाने में भी काफी मेहनत लगी होगी, इसको भी काफी सुंदर बनाया है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, इसे डायनासोर का शेप दिया गया है। ये देखिए, इसको भी बनाने में काफी मेहनत लगी है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, यह सीताफल है, गोल्डन सीताफल जिसको बोलते हैं, उसका पौधा है ये। उसके साइड में आप देख रहे हैं, ये चीकू है, बड़ा पेड़ है चीकू का ये। ये आप जो देख रहे हैं, सारे फ्रूट्स वैरायटीज है। दोस्तों, ये जो आप नर्सरी देख रहे हैं, काफी बड़ी नर्सरी है, कम से कम 5 से 6 एकड़ में फैली हुई है नर्सरी है, काफी बड़ी नर्सरी है दोस्तों ये। ये देखिए, अब सब बड़े बड़े प्लांट्स उपलब्ध हैं। ये आप जो देख रहे हैं, दोस्तों, ये पेंसिल पॉइंट है, इसको भी आप घर के बाहर गार्डन में लगा सकते हैं। ये काफी हाइट लेता है, कम से कम 15 से 20 फीट हाइट लेता है, काफी सुंदर लगता है दोस्तों ये जब बड़ा होता है तो। दोस्तों, आप ये जो देख रहे हैं, सारी गोल्डन टोपियरीज है। दोस्तों, आप तो इसे ज्यादातर लोग तो इसको जानते ही होंगे, यह चंपा है। चंपा का पेड़ है, ये देखिए दोस्तों, गोल्डन विद्या बोलते हैं इसको। देखिए, काफी सुंदर पौधा, इसको भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। दोस्तों, ये पेंडनास है जो बाउंड्री कवर करने के लिए इसका यूज किया जाता है पौधों का। आप जो देख रहे हैं, एक ट्रेसिना की वैरायटी है ये। ये देखिए दोस्तों, ये सेवंती है जो अभी तैयार हो रही है, इसमें काफी सुंदर फूल आते हैं जो विंटर के टाइम पर आते हैं।
सारे सीजनल प्लांट्स हैं फूलों वाले। ये देखिए काफी सुंदर, ये फाइकस है। दोस्तों ये केजरीना की बॉल है जिसको ऐसा शेप दिया गया है, पूरा गोल बनाया गया है इसको। काफी मेहनत है, हम इसकी कटिंग कर करके इसको ऐसा बनाया गया है। काफी मेहनत लगी है दोस्तों इसको बनाने में। दोस्तों ये जो आप नेट देख रहे हैं इसके अंदर सारे इंडोर प्लांट्स हैं जो घर के अंदर लगाए जाते हैं। देखिए पुदीना हम खाने के रूप में यूज करते हैं। ये स्नेक प्लांट है, इसको भी घर में लगा सकते हैं दोस्तों। ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रदान करता है ये पौधा, स्नेक प्लांट जिसको बोलते हैं। क्रिसमस ट्री है, छोटे हैं, देखिए आप देख रहे हैं कि सारे पौधे इंडोर प्लांट्स हैं जो अपने घर के अंदर लगा सकते हैं, जिनको ज्यादा धूप की आवश्यकता नहीं होती है। सुंदर पौधे दोस्तों, ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये ऑर्चिड का प्लांट है जो काफी यूनिक होता है। ये केवल कोयले और कोकोनट से ही चलता है, नारियल की नट्टियों के द्वारा ही ये चलता है पौधा। इसको मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों, ये अपना सारा भोजन नारियल की नट्टियों से प्राप्त करता है और इसमें इस प्रकार के बड़े ही सुंदर सुंदर फूल आते हैं जिसे आप देख रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये ड्रेसिना इसको बोलते हैं, ये भी घर के अंदर लगाई जाती है, काफी सुंदर लगती है। ये भी ड्रेसिना है, इसको ड्रेसिना महात्मा कहते हैं। ये क्रोटन की एक वैरायटी लेमन क्रोटन है और ये आप देख रहे हैं गोल्डन साइप्रस है। ये एरिका पाम है जो ज्यादातर बालकनियों में लगाया जाता है इस प्लांट को, काफी सुंदर लगता है आपके घर बालकनी में लगाने पर, आपकी बालकनी की शोभा और अधिक बढ़ा देता है ये। ये देखिए ये भी इंडोर प्लांट है जिसके पत्ते काफी बड़े हो जाते हैं, आप देख रहे हैं छोटा पत्ता है लेकिन ये काफी बड़ा हो जाएगा। मित्रों मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दिखाया गया पिछले वीडियो में नर्सरी पार्ट 1 एवं इस वीडियो में दिखाया गया नर्सरी पार्ट 2 आपको जरूर पसंद आया होगा एवं आपकी सी जानकारी भी आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल द विलेज स्टाइल पर बने रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी मैं कोई ऐसे वीडियो डालूं तो आप तक जरूर पहुंच सके। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।